अक्सर हम मीडिया या समाचार पत्र द्वारा देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से बलात्कार की घटनाएं सुनते रहते हैं। यह बहुत दुखद है, परंतु उससे भी दुख की बात यह है कि बहुत सी बलात्कार की घटनाएं झूठी होती हैं, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता और जिसके कारण किसी निर्दोष लड़के को सजा हो जाती है या फिर उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप सभी देख रहे हैं फिनो जय। और आज हम बात करेंगे कि अगर कोई लड़की किसी निर्दोष लड़के पर बलात्कार का आरोप लगा दे तब क्या होगा। तो देर किस बात की, शुरू। यदि कोई लड़की किसी निर्दोष लड़के पर आरोप लगाती है तो पुलिस आरोपी अर्थात लड़के को गिरफ्तार कर लेगी और वहाँ से आरोपी अर्थात लड़के को तब तक जेल में रखेगी जब तक मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। अर्थात जब तक केस चलेगा तब तक लड़के को जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बलात्कार गैर जमानती अपराध है। आमतौर पर ऐसे प्रकरण में 3-4 साल से कम समय में जजमेंट नहीं आता। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी लड़की ने आप पर बलात्कार का आरोप लगाया है तो कम से कम 3 साल की जेल आपको होनी ही है, चाहे इसमें आपकी कोई गलती हो या फिर ना हो। उसके बाद दो स्थितियाँ बनती हैं। यदि लड़की कानून की कम जानकार है और वो गुस्से में थाने में पहुंच गई थी और उसने किसी लड़के के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई थी तो उसने कई पॉइंट लूज छोड़े होंगे। अगर लड़का पैसे वाला है तो वो अच्छा वकील करके बच जाएगा, परंतु नहीं तो भगवान ही उसका मालिक है। यदि लड़की कानून की जानकार है या फिर वकील से मिलकर उसने FIR दर्ज करवाई है तो फिर आरोपी को भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि बलात्कार के मामलों में लड़की के बयान को हर हाल में सही ही माना जाएगा। अब आरोपी पक्ष अर्थात लड़के की जिम्मेदारी होगी कि लड़की को गलत साबित करे। यदि लड़की ने वकील से मिलकर FIR दर्ज करवाई है तो वकील FIR में इस प्रकार से कहानी करता है जिससे लड़के के बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि वकील से अच्छा कानून का जानकार और कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूँ कि बलात्कार के प्रकरण में कम से कम 7 साल की सज़ा है। भारत में बलात्कार अर्थात धारा 376 के तहत दर्ज मामलों में लगभग 98 से 99% केस झूठे होते हैं। इसमें 80% केसेस में अंदर की कहानी यह होती है कि लड़का और लड़की के आपसी सहमति से अवैध संबंध होते हैं, किसी दिन पकड़े जाते हैं, लड़की घर वाले के दबाव में आकर लड़के पर बलात्कार का मुकदमा कर देती है और लड़के को जेल हो जाती है। अब आप कहोगे कि अवैध संबंध है तो यह अपराध ही है। तो अवैध संबंध बनाना सामाजिक दृष्टि से गलत हो सकता है, लेकिन कानूनन कोई भी अपराध नहीं है। तो लड़कियां फिर ऐसा क्यों करती हैं, चलिए इस सर्वे से हम जानते हैं। इस विषय पर साल 2013 में डाटा जर्नलिस्ट मिस रुक्मणी श्रीनिवासन ने खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने का जिम्मा उठाया। 2013 में जब वो मुंबई से दिल्ली द हिंदू अखबार में पोस्ट लेने के लिए गई तो वो ये जानना चाहती थी कि वाकई में देश की राजधानी दिल्ली को बलात्कार की राजधानी कहना सही है। 2013 में जो बलात्कार के केस वापस ले लिए गए थे उनको छोड़कर रुक्मणी श्रीनिवासन ने केवल उन 460 केस को देखा जिनका ट्रायल कोर्ट में हुआ था और उन केसेस की तुलना पुलिस में शिकायत की गई FIR से की। उन्होंने सबसे पहले यह पाया कि जिन अजनबी बलात्कारों को, मतलब अजनबी लड़कियों के साथ हुए बलात्कारों को मीडिया में सबसे ज़्यादा कवरेज दिया जाता है, उनकी संख्या 460 केसेस में केवल महज 12 थी। अगर झूठे बलात्कार केस की बात की जाए तो उनके निष्कर्ष मिश्रित थे। नंबर 1, 460 बलात्कार केस में से एक तिहाई केस ऐसे थे जिनमें लड़का और लड़की का आपस में संबंध था, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और उन्होंने आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। जब लड़की के परिवार वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इनके रिलेशनशिप को समाप्त करने के लिए अपनी लड़की द्वारा लड़के के ऊपर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। तो रुक्मणी श्रीनिवासन का कहना था कि लड़की के परिवार वाले ये सहन नहीं कर सकते कि लड़की का बॉयफ्रेंड हो, परंतु हाँ वो अपनी लड़की पर बलात्कार का कलंक लगाने को तैयार। नंबर 2, कुछ केस इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन रिलेशनशिप के थे जिसे समाज में आज भी अपराध के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण लड़की अपने परिवार वालों के दबाव में आकर लड़के के ऊपर झूठा केस कर देती थी। नंबर 3, अक्सर हम ये सुनते हैं कि लड़कियों का चलती कार में बलात्कार कर दिया गया, उनकी कोल्ड ड्रिंक्स में नशे की गोली डालकर उनको बेहोश करके उनके साथ रेप किया गया। इन घटनाओं को जब रुक्मणी श्रीनिवासन ने अवलोकन किया तो पाया कि रेप के केस में ये दिखाने के लिए कि लड़की की संबंध बनाते समय आपसी सहमति नहीं थी, इन सब पैतरों का लड़कों के खिलाफ उपयोग किया गया। नंबर 4,
460 केसेस में एक चौथाई केस ऐसे थे जिनमें लड़के ने एक लड़की से शादी करने से मना कर दिया था। उसने किसी कारण से अपना मन बदल लिया था जिसके कारण लड़की लड़के से शादी करने के लिए लड़के के ऊपर झूठा रेप केस दायर कर देती है, कभी खुद से तो कभी अपने परिवार वालों के कहने पर। हालांकि लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उसे शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद उसे शादी ना करना किसी भी प्रकार से कानूनन रेप नहीं माना जाता है। नंबर 5, कुछ ऐसे केस भी थे जिनमें लड़की लड़के से पैसे ऐंठने के चक्कर में लड़के के ऊपर झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर देती थी। साल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया केस के बाद न केवल दिल्ली में अपितु पूरे देश में इस तरह के झूठे केसेस ज़्यादा देखे गए हैं। यह बहुत शर्म की बात है कि देश में प्रत्येक 30 मिनट में लड़कों के खिलाफ झूठा रेप का मुकदमा दर्ज किया जाता है। मेरा मानना है कि एक अकेला लड़का एक अकेली लड़की के साथ बलात्कार कर ही नहीं सकता, ये लगभग असंभव है। अब आप ही सोचिए कि अच्छे अच्छे मोटे ताजे लड़के, अच्छे अच्छे हेल्दी लड़के एक लड़की को नहीं संभाल सकते तो रेप करने की बात तो फिर कोई और ही है। हाँ, मर्डर की बात एक अलग है। हाँ, गैंग रेप मुमकिन है, लेकिन यह सिर्फ 1000 दर्ज होने वाले मुकदमों में से केवल एक में होता है। मैं मानता हूँ कि गैंग रेप करना वास्तव में बहुत बड़ा अपराध है। उन्हें शहर के चौराहे पर सबके सामने फांसी दे देनी चाहिए और उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए ताकि सब देख सकें। बलात्कार के आरोपियों का सार्वजनिक नार्को टेस्ट और जूरी ट्रायल होना चाहिए ताकि कोई निर्दोष फंसे नहीं और कोई दोषी बचे नहीं, जिसके लिए हमें देश में जूरी कोर्ट कानून लाना होगा। इसके लिए आप सभी को विस्तार से जूरी कोर्ट कानून को समझना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा कानून अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों में है जिसके कारण दोषी को सज़ा मिलती है और निर्दोष बच जाता है। हमें समझना होगा कि किसी भी वर्ग के लिए एक तरफा कानून बना देने से, उन्हें लगभग संपूर्ण अधिकार दे देने से देश में कोई भी न्याय व्यवस्था लागू नहीं हो जाती। इतिहास गवाह है कि जिसे भी एक तरफा अधिकार दे दिए गए हों और उनके गलत साबित होने पर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की कोई गुंजाइश ही न रखी गई हो तो ऐसे में वो वर्ग केवल अपने अधिकारों का दुरुपयोग ही करता है। केवल धारा 376 ही ऐसा कानून नहीं है, अपितु ऐसे और भी कानून हैं जिनमें निर्दोष को आसानी से फंसाया जा सकता है, जिसका कारण देश की गंदी राजनीति, भ्रष्टाचार, बेकार न्याय व्यवस्था और निकम्मा पुलिस प्रशासन है। और इसका सबसे बड़ा कारण है देश का जागरूक न होना। वो कहते हैं ना, इंसान तब तक ईमानदार है जब तक उसे कोई भी मौका नहीं मिलता। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि थोड़े जागरूक बनिए, सतर्क बनिए और देश में उचित न्याय व्यवस्था लाने में देश की सहायता करें, संविधान को सुधारने में थोड़ा सा अपना योगदान दें। नमस्कार।